लॉन्ग मार्च का मोटिव समझ नहीं आ रहा है। असा तो नहीं छटना इमरान खान का साथ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। ये कौम अपना फैसला सुनाने जा रही है। आप जानते हैं कि आपके मुखालिफ बिलो द बेल्ट वार कर सकते हैं। राणा सनाता की धमकियाँ हुआ करती थी, अब वो रह गई है गीदड़ भक्तियाँ। शेख साहब के इरादे पुख्ता हैं, शहादत के लिए भी वो तैयार है। की आजादी के लिए अगर मुझे जिस लेवल की भी कुर्बानी देनी पड़े मैं तैयार हूँ। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस मुल्क की खातिर निकला है। आसमान तो सितारों का मूड अच्छा नहीं है। लॉन्ग मार्च बहुत पुर अमन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आप सबको, और वेलकम बैक वर्दा को। मंडे के बाद हमें आज ज्वाइन किया इन्होंने, यकीनन बड़ा अच्छा हफ्ता गुजरा इनका। आज बड़ा दिन है, आप देख रही हैं आज बैकग्राउंड भी चेंज है वर्दा जी। बिल्कुल बेशक बड़ा दिन है, बड़ी तब्दीली है। आखिर वो वक्त आ ही गया है जिसका पूरी कौम को कई माह से इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आज फाइनली आन पहुंची है जब हकीकी आजादी मार्च की शुरुआत होगी अब से कुछ ही देर बाद। यकीनन बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पीटीआई के लिए, हर उस शख्स के लिए जो चाहता है कि पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, तरक्की, तब्दीली आए। क्योंकि अब बहुत हो चुका, साने अरशद शरीफ के बाद हमें वाजे हो जाता है कि हमारा मुल्क इस डायरेक्शन में है। लेकिन आज सुबह मैंने बिहाइंड क्लोज डोर्स जो डॉक्यूमेंट्री जिस पर अरशद शरीफ साहब काम कर रहे थे वो भी, उसका ट्रेलर भी देखा मैंने। इससे वाजे हो गया कि यकीनन एक बहुत बड़ी करप्शन की दास्तान है हमारे मुल्क को, जिस तरह लूटा गया है 75 सालों में। टर्किश स्कॉलर कहते हैं कि पाकिस्तान एक अजूबा है, इतने सालों से लोग खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। ये अल्लाह की रहमत है, बरकत है कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा पूछता हूँ कब तक सर्वाइव करेंगे, हाउ लॉन्ग कैन वी गो ऑन लाइक दिस। यकीनन वी नीड दिस चेंज डेफिनेटली। और उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले चंद दो रोज में हमें जो एक ड्रामाई तब्दीलियां, अगर इसको हम कहें तो गलत बात नहीं होगी, देखने को मिली है। पहले 65 वार्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर उसके बाद ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामने आना, और उसके बाद फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला मुस्तकिल शुरू होना, खान साहब का भी बयान सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत ज़्यादा खौफजदा है, लेकिन दूसरी जानब हमें यह भी लग रहा है कि लॉन्ग मार्च का मोटिव समझ नहीं आ रहा है कि वो लॉन्ग मार्च कर क्यों रहे हैं। 6 दिन बाद उन्होंने कहा है कि 6 दिन तक की लॉन्ग मार्च रहेगा और 24 घंटे भी नहीं होगा रोड्स पे, रात तक करेंगे लॉन्ग मार्च, फिर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे दोबारा आएंगे। तो समझ नहीं आ रहा, कुछ बहुत कंफ्यूजन सिचुएशन है। लॉन्ग मार्च जो होता है ना वर्दा, वो थोड़ा सा हैप्पीज़र्ड जरूर होता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लॉन्ग मार्च कवर किए हैं, पीटीआई के धरने भी किए हैं, डॉक्टर तारुल कादरी साहब के भी किए हैं जो धरने का इत्तदा हुई थी पाकिस्तान में। उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे डिसीजंस ऑन स्पॉट ऑन ग्राउंड लिए जाते हैं। पहला फैसला होता है कि हम निकलेंगे, ये रूट होगा, इस तरह जाएंगे, रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे फैसले चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उस वक्त ही फिलबदी आपको फैसले करने पड़ते हैं ऑन स्पॉट, जो कि आप इस दफा भी देखेंगे। लेकिन यकीनन कल अरशद शरीफ शहीद के जनाजे के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आज भी बहुत बड़ी तादाद में उसी तरह शायद हम देखेंगे एक हुजूम जम्मे गफीर अवाम का निकलेगा। क्योंकि अवाम इंसाफ चाहते हैं, अवाम कहते हैं कि हमें अदालतों में इस तरह ना धक्के खाने पड़े इंसाफ के लिए। अवाम कहते हैं कि हमें थाने के अंदर पुलिस के पास जाते हुए इतनी मुश्किलात ना हो। हमारे बिजनेसमैन जितने FBR के सताए हुए होते हैं लेकिन कभी FBR की शिकायत नहीं करते, कहते हैं कि शिकायत करेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे लोग। तो यकीनन हमारे मुल्क का निजाम सिस्टम किसी भी एंगल से आप देख लें, सियासी हम जानते हैं कि आखिरकार लॉन्ग मार्च का मोटिव क्या है, लॉन्ग मार्च किस तरह से होगी जैसा सुनने में आ रहा है, क्या वैसे ही होगी, मजीद हमें अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम मलिक लाहौर से, लिबर्टी चौक से इस वक्त बराह रास्त वहां से हमें आगाह करेंगे। जी खुर्रम, बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां कैसी हैं, कुछ लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं या नहीं, कब तक लोग पहुंचेंगे, और क्या ये सिर्फ दिन में या रात तक लॉन्ग मार्च होगी, कोई ज्यादा वहां पे धरना नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही है? अच्छा बिल्कुल बता, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से जैसे ही कॉल दी गई हमने देखा कि लिबर्टी चौक जो है वो कारकुनान से जमे गफीर जो है वो बन चुका था। इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज 11 बजे का वक्त दिया गया था इमरान खान की जानिब से जो कि लिबर्टी चौक तमाम कारकुनान जो है वो इकट्ठे हों। आप मेरा कब में देख सकते हैं कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और रात भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी, कारकुनान जो है काफ़ी ज़्यादा जोश और वलवले में दिखाई दे रहे थे और अपने खान और लीडर का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही इमरान खान साहब आएंगे और हम उनसे जो है वो उनके लॉन्ग मार्च का आगाज़ करवाएंगे और उनके साथ रैली की सूरत में जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। यकीनन मेरे साथ कारकुनान मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैडम बताइएगा, लॉन्ग मार्च है आज, खान साहब की आखिर कॉल जो है
वो इख्तिताम पर आ चुकी है और आज लॉन्ग मार्च का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज लॉन्ग मार्च का दिन है, जैसा कि मैं ये बता दूं कि कल लॉन्ग मार्च को रात को भी लोग बहुत तादाद में यहाँ पे आए थे और अभी खान ने 11 बजे की कॉल दी हुई है, तो यहाँ से आपने देख लिया है कि लोग सुबह से यहाँ पे कितने लोग आए हैं पुरजोश तरीके से तैयारी करके कि लॉन्ग मार्च के साथ हो सकता है कि वहाँ धरना भी हो जाए, तो ये लोग वहाँ धरना भी होगा तो वहाँ धरने में भी खान का साथ देंगे। अच्छा बिल्कुल, कारखुनान धरने के लिए भी तैयार है, अगर इमरान खान साहब की जानिब से जो है धरने की कॉल भी दी जाती है इस्लामाबाद पहुँचने के बाद, तो कारखुनान जो है वो तैयार हैं धरने के लिए भी। अच्छा मुझे मैडम बताइएगा लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तैयारियाँ करके आई हैं? हम तो सिर्फ, हमारी तो तैयारी सिर्फ यही है कि हम इमरान खान के साथ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई कहे ना कि ये चीज़ें लाएं वो चीज़ें लाएं, हम अल्लाह ही के भरोसे पे आए हैं, आपके सामने में हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक अच्छी उम्मीद है और जो है ना आपका चैलेंज है ये हमारे लिए हमारे दिलों में घर कर गए। बिल्कुल, कारखुनान के जज्बात आपने सुने, उनका कहना है कि बोल न्यूज़ जो है वो हमारे दिलों में घर कर गया है, और भी कारखुनान मौजूद है यकीनन इनसे बात करेंगे। अरे सर मुझे बताइएगा आज फाइनल डे आज आ गया है, क्या तैयारियां करके आए आप? सबसे पहले ये है कि हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए दुनिया मैक्सिमम ये पिछले 30 साल से लुटेरे चोरों को देख चुकी है और अब कोशिश कर रही है कि इस इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान और इससे बाहर जो लोग हमारे साथी हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को बचाया जाए और इस मुल्क के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ी वो आवाम देगी और इमरान खान की क्यादत में कुर्बानी देगी। और इमरान खान की क्यादत में जो है ये कौम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। मेरे साथ और भी कारकुनान मौजूद हैं, यकीनन इनसे बात करेंगे, जिन्होंने पार्टी परचम पहन रखा है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो कैप है वो लेकर आए। इसी तरह हमने देखा है कि कारकुनान जो है अपने अपने अंदाज में जो है भरपूर तैयार होकर लॉन्ग मार्च में शिरकत के इरादा कर रहे हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा क्या तैयारी करके हैं? मैं शेर सुनाऊंगा आपको, जितती होवे चाहे पावे होवे सानू हार, जितती होवे चाहे पावे होवे सानू हार, असा तो नहीं छड्डना इमरान खान का साथ, जितती होवे चाहे पावे होवे सानू हार, असा तो नहीं छड्डना इमरान खान का साथ, खान साडा यार असी खान दे आ यार, असा तो नहीं छड्डना इमरान खान का साथ, वो जिथे जिथे खान साडा पिछे पिछे जावांगे, वो जिथे जिथे खान साडा पिछे पिछे जावांगे, खान दे इशारे उत्ते मर मिट जावांगे, खान ते पंजाबियां दी पक्की है जबान, असा तो नहीं छड्डना इमरान खान का साथ, जितती होवे चाहे पावे होवे सानू। बिल्कुल कारकुनान के जोश आपने देखे जी हां खुर्रम जी, हमने देखा असा ते नहीं छड्डना इमरान खान का साथ, असाथ नहीं चखांदा साथ वाजे कर दिया इस वक्त वहां के लोगों ने। जाफर बिन यार हमारे नुमाइंदे जमान पाक पे इस वक्त मौजूद हैं। जाफर जमान पाक पे क्या सूरत हाल है, क्या तैयारी है, बताइएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो आज लाहौर से शुरू होगा इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर के जमान पार्क में भी जो है जो बड़ी गैदरिंग है यहाँ से, क्योंकि इमरान खान निकलेंगे यहाँ इनकी रिहाइश गया है, तमाम मरकजी कायदीन हैं जो वो जमान पार्क पहुँचेंगे या एक बड़ी रैली की सूरत में निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीके साफ के जो चेयरमैन इमरान खान उनकी जानब से 11 बजे का वक्त दिया गया था तमाम कारकुनान लिबर्टी चौक पर जमा हो जाएं, लेकिन वो खुद जहाँ से निकलेंगे यहाँ से बरासा कनाल वो जे रोड पर जाएंगे और वहाँ से लिबर्टी चौक पहुँचे, वहाँ पर जो गैदरिंग होगी क्योंकि जो मेन पॉइंट रखा गया है लॉन्ग मार्च का वो लाहौर का लिबर्टी चौक है, उसके बाद वो वहाँ से निकलेंगे। कितनी देर लगती है, रात को शाम को किस वक्त निकलते हैं, क्योंकि ये आज मुतको है कि लाखों की तादाद में जो है कारकुनान पहुँचेंगे, क्योंकि लाहौर में जो पीटीआई के कारकुनान है फुल पुरजोश है और उसके अलावा लाहौर से जो मुल्का इजला है लाहौर के करीबी इजला है वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ से जो उनका शेड्यूल तय पाया गया है कि यहाँ लिबर्टी चौक से निकलेंगे बरासा वो फिरोजपुर रोड से एमयू कॉलेज दाता दरबार और फिर शादरा, आज बताया जा रहा है कि शायद रात को शादरा में प्लाव किया जाएगा क्योंकि जो सिंध से आने हैं जनूबी पंजाब से बड़े बड़े काफिले आने हैं उनको शादरा में इकट्ठा किया जाएगा यहाँ, और कल जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे हफ्ता की सुबह यहाँ से आगे अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना होगा। ये बरासा जीटी रोड गुजरांवाला जो है वजीराबाद जेलम सराय आलमगीर और फिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेगा और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की जानब से उनके कायदीन की जानब से कि इस दफ़ा लॉन्ग मार्च में जो हकीकी लॉन्ग मार्च का जिसको नाम दिया गया आज़ादी लॉन्ग मार्च का जिसको नाम दिया गया उसमें लाखों की तादाद में लोग पहुँचेंगे, क्योंकि खुद इमरान खान ने रात को लिबर्टी चौक का दौरा किया तो उस वक्त भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद थी जिनको पता चला कि इमरान खान लिबर्टी चौक आ रहे हैं, इंतजाम का जायजा लेंगे। लॉन्ग मार्च है ये हफ्ते के रोज शाम रात को इस्लामाबाद पहुंचेगा, नहीं हफ्ते को नहीं पहुंचेगा, हफ्ते को यहाँ से सुबह
इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से शेड्यूल दिया गया है वो तकरीबन बुध या जुमे रात को कहा जा रहा है कि वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन आज जुमे का दिन है, जुमे का दिन ये लाहौर में गुजारेंगे। और कल हफ्ता है, तमाम जो काफिले आएंगे, जो सिंध से आएंगे, जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाके जो इजलास से आएंगे, उनको लाहौर में इकट्ठा किया जाएगा। आप कारकुनान के साथ मौजूद है, बताइएगा कि आपके पास क्या अपडेट है, कि सुनने में ये आ रहा है कहा है कि जो लोग पड़ाव करेंगे लाहौर में या शारदा की तरफ, तो कहा है कि अगले दिन दोबारा से शुरू होगी एक वो नहीं होगा, जैसे कहते हैं हम कि बहुत ज्यादा लॉन्ग मार्च का धरना टाइप्स नहीं होगा, ये बहुत ही पुरसुकून लॉन्ग मार्च की जाएगी, सड़कों पर रात नहीं गुजारेंगे, घर चले जाएंगे, फिर अगले दिन दोबारा से शुरुआत करेंगे, क्या ऐसा ही है? जी शाहदरा क्योंकि लाहौर के अंदर है, तो हो सकता है कि जब शाहदरा में पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, जो मुकामी लोग होंगे वो तो घर जाने में उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सही जो हसान खबर ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान है, उन्हीं से ये बात जान लेते हैं, ज्यादा बेहतर हमने अच्छे तरीके से आई थिंक वो अपडेट दे सकते हैं। हसन ये बताएगा कि लॉन्ग मार्च का एक्चुअल मोटिव है क्या, प्लान क्या है, क्योंकि जिस तरह की लॉन्ग मार्च सुनने में आ रही है काफी सारी कंफ्यूजन है, आप प्लीज पे रोशनी डालिएगा कि आप लोग पड़ाव डालेंगे, रात सड़कों पर नहीं गुजारेंगे, धरने की सूरत नहीं इख्तियार किया जाएगा, ये लॉन्ग मार्च अगले दिन दोबारा से आएंगे और छह दिन का लॉन्ग मार्च होगा, और अगर ये सिर्फ छह दिन का लॉन्ग मार्च है, कुछ धरना नहीं है, तो कैसे अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे आप, मंजूरी किस तरह से होगी? जी देखिए, लॉन्ग मार्च का जो मकसद है वो तो बड़ा क्लियर है, और ये इमरान खान साहब की जेरे क्यादत हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, और हमारा मुतालबा जो है वो फौरी और शफाफ इलेक्शन है, तो ये बात वाजह है। जहां तक इसकी मोडालिटी का ताल्लुक है, तो वो आपने कुछ हद तक बात सही की है, वो ये है कि हम सुबह जो है ये आज 11 बजे से इसका आगाज करेंगे, उसके बाद रात को हम आज़ादी चौक पे पहुंचेंगे, और उसके बाद क्योंकि अभी हम लाहौर में हैं तो जो लोग हैं वो चले जाएंगे, और कल सुबह फिर दोबारा शाहदरा से इसका आगाज होगा, उसके बाद जो मेन हमारा मार्च है वो चलता रहेगा, लेकिन हर जिले के जो लोग हैं वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे, और उसके बाद वो दोबारा वापस जाएंगे, लेकिन जो हमारा मेन मार्च है वो तो आगे बढ़ता रहेगा, और जाहिर है कि वो तीन चार जगह पे जो है वो पड़ाव डालेगा, और इंशाल्लाह 4 तारीख को फिर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और वहां पे फिर हमारे जो बाकी काफिले हैं जिन लोगों ने हमें पहले ज्वाइन किया होगा, जो वो अजला जहाँ से लॉन्ग मार्च नहीं भी गुजरा होगा, उनके जो काफिले हैं वो फिर हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद। लेकिन खावर साहब, इस सबसे हासिल क्या होगा आपके मुतालबात पूछना चाहूंगा, आप 29 को निकल रहे हैं खावर साहब, आप 4 तारीख को पहुंच रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप बेसिकली 6 दिन का एक ट्रैवलिंग जलसा करने जा रहे हैं, ऐसा ही है सर? जी ये देखिए, इस्लामाबाद पहुंचने का प्लान है, उसके बाद जो है हम जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे उसके बाद का प्लान जो है वो हम फिर बाद में आपको बताएंगे। या इतनी स्लो स्पीड से जो हम जा रहे हैं मैक्सिमम मोबिलाइजेशन के लिए खावर साहब, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जमा हो सकें, सबको मौका मिल सके, सबको एक्टिवेट कर सकें? देखिए बात यह है कि ये एक रूट है, जनरली जब इतना बड़ा साइज होता है तो ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो स्लो होती है, और लोग उसके अंदर ज्वाइन करते हैं, तो ये बेसिकली लाहौर से शुरू हो रहा है, और ये इसीलिए ये जो इसकी स्पीड को देख के ये जो शेड्यूल बनाया गया है ये उसको मद्देनजर रख के है, और जाहिर है कि इसमें लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये अपने मकसद के हसूल में कामयाब। लेकिन खावर साहब, मेरा सवाल वहीं खड़ा है, दोबारा आपसे करना चाहूंगी कि इससे हासिल आपको लग रहा है कि जो आपके मुतालबात हैं, जो आप इलेक्शन चाह रहे हैं, साफ शफाफ इलेक्शन हो, आपको लग रहा है कि इस तरह के लॉन्ग मार्च करने से हुकूमत मान जाएगी, कि हुकूमत तो मुस्तकिल अपनी बात पे है कि वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तारीख नहीं देंगे, जिसकी वजह से आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और धरने की सूरत भी इख्तियार नहीं करेगा, आप कह रहे हैं पुरअमन ये एक लॉन्ग मार्च होगी, लेकिन प्रिडिक्शन ये भी की जा रही है कि ये लॉन्ग मार्च खूनी भी हो सकता है? नहीं लेकिन ये जो खूनी वाली बात है ये तो मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आ रही है, क्योंकि बड़ी क्लियर हदायत है लीडरशिप की तरफ से कि पुरअमन मार्च। फैसल वाडवा साहब ने क्लियर नहीं कहा कि खूनी मार्च हो सकती है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। हाँ फैसल वाडवा साहब ने, मुझे नहीं पता कि किसके कहने पे और क्यों किया है, लेकिन फैसल वाडवा साहब ने ना को पार्टी का मौकफ दिया और ना ही पार्टी में इस किस्म की कोई बात है, तो बहरहाल वो एक शख्स की राय हो सकती है,
लेकिन अल्लाह इन सबको पूरे मार्च को महफूज रखे। लेकिन खबर साहब उस शख्स की राय से एक चीज वाजे हो गई खबर साहब, वो ये थी कि काफी कुव्वतें ऐसी इस वक्त मुल्क में सरगर्म हैं जो आपके इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि मुल्क का निज़ाम तब्दील ना हो, मुल्क में जो चोरी चकारी का सिस्टम है जिसके जरिए वो अरबों डॉलर कमाते हैं वो कमाते रहें, और उस आप क्योंकि उस सिस्टम को रोकना चाह रहे हैं तो वो अरबों डॉलर लगाने को तैयार हैं आपको रोकने के लिए। कितनी हद तक आप मुकाबला करने को तैयार है? राणा सरनाला आपके सामने, आपको मालूम है किस तरह की थ्रेट्स वो देख रहे हैं, किस लेवल पे वो स्टूप डाउन कर सकते हैं, किस लेवल पे वो गिर सकते हैं, आप मुझे बताइए तैयारी पूरी है? देखिए पूरी तैयारी है। इस तरह के हरबों से अगर दुनिया में लोग डरते रहते तो दुनिया के किसी मुल्क में किसी कल्चर में किसी कौम में कभी तब्दीली ना आती, क्योंकि हमेशा वो लोग जो स्टेटस को के चैंपियन होते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उसके बावजूद दुनिया में मूवमेंट चलती हैं, तब्दीली आती है। यही तब्दीली की जो है वो रूह है, यही उसकी स्पिरिट है। ये इन हरबों से हम बाज नहीं आएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये कौम अपना फैसला सुनाने जा रही है इस इम्पोर्टेड रजीम के खिलाफ, और ये फैसला बहुत लाउड होगा, बहुत क्लियर होगा, और ये कौम की आवाज़ होगी। अच्छा जी खबर साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी आपसे कि फैसल पाडवा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने शोकॉज का कहा, वो हमें लगा कि सब नाकाम हो गया है नज़र आया हमें, लेकिन हुकूमत भी एक तरफ हमें लग रहा है कि खौफ ज़्यादा है, एक तरफ आप 6 दिन का लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आगे का लाहे अमल क्या है, प्लान क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस सूरत हाल में हम कोई बड़ी सियासी तब्दीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए बड़ी सियासी तब्दीली तो यही है कि अगर मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़े, बात यह है कि इस वक्त जो इलेक्शन है, नया इलेक्शन, वो हुकूमती जो हल्के हैं उनको उसमें अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, क्योंकि कौम ने पहले 17 जुलाई को, फिर ये 16 अक्टूबर को अपना फैसला जो है वो सुना दिया है कि अब कौम उनको वोट देने को तैयार नहीं है, और किसी भी इलेक्शन की सूरत में वो मलिया मेट हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे, और यही सियासी मौत जो है उनको मजबूर कर रही है कि वो भी आखिरी अपना जो है ना दम तक मुकाबला करे। अगर हुकूमत 6 दिन में इलेक्शन की तारीख नहीं देती है तो आपका आगे का लाहे अमल क्या होगा खबर साहब? देखिए आगे का जो लाहे अमल है वो इंशाल्लाह हमारी जो क्यादत है इमरान खान साहब वो देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम इलेक्शन की जानेब बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, और 6 दिन के बाद भी हम, आप ये समझ रही हैं कि शायद हम 4 नवंबर को वहाँ डिस्पर्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद पहुँच के फिर इमरान खान साहब जो है वो आगे का लाहे अमल देंगे। सही राइट, यकीनन उम्मीद करते हैं कि तब्दीली आए, पाकिस्तान को तब्दीली की ज़रूरत है। खबर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुबहाना वताला फरमाते हैं कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान, तो यह असल कौम हमको भी सोचना चाहिए कि जब तक हम नहीं बदलेंगे, अंदर से हम अपनी सफाई नहीं करेंगे, अब गलाजत को बाहर नहीं निकालेंगे, बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, चोरी करना छोड़ेंगे नहीं, करप्शन रिश्वत लेना छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। मिनहसल कौम बदलेंगे तभी हमारे हुक्मरान बदलेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं, अब खावर अब्बास, ब्यूरो चीफ खावर अब्बास हमारे साथ हैं, लेते हैं उनको अपने शो में वेलकम, कहते हैं उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त। जी खावर साहब बताइएगा, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए जो तरीके इंसाफ है और इनके कारकुनान है, जितने भी रहनुमा है, बड़े भरपूर तरीके से इन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारियां की हुई हैं। खान साहब गुज़िश्ता 3 रोज से चेयरमैन तरीके इंसाफ लाहौर में मौजूद है और भरपूर तरीके से मोबालाइज किया गया है लोगों को। रात 2 बजे तक लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में जो है वो समझ लें कि चांद रात का समा था, और लोग खासे खुश दिखाई देते हैं इस हवाले से कि चेयरमैन तरीके इंसाफ ने जो है वो काल दी है। इस हवाले से वो खासे दिनों से मुंतजिर थे चेयरमैन की काल के, और वो दिन आ गया कि जिस दिन का उन्हें इंतजार था। गुज़िश्ता रोज यहाँ पर जो है 90 शायरा दीवान वज़ीर आला में भी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, तमाम रहनुमा तमाम लीडर्स मौजूद थे। जो प्लान है तरीके इंसाफ के इंसाफ का, आज लिबर्टी चौक से तरीके इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की क्यादत में अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी, और ये लॉन्ग मार्च जो है वो फिरोजपुर रोड से चढ़ेगा, तो इछरे में इसका जो है वो मियां हमाद अजहर इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये लॉन्ग मार्च मजंग पहुंचेगा तो वहां पर सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल इसका इस्तकबाल करेंगे, दादा दरबार पहुंचेगा, और आज जो तरीके इंसाफ का पड़ाव होगा वो लाहौर के अंदर ही होगा, आजादी चौक पर आज ये
रुकेगा लॉन्ग मार्च और यहाँ पर भरपूर किस्म का सियासी ताकत। राइट खबर खुर्रम, खुर्रम की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। खुर्रम ये बताइएगा कि यकीनन आपके साथ बहुत बड़ी पब्लिक मौजूद है, लिबर्टी चौक में बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, लेकिन मैं खुर्रम ये भी सोचने पर मजबूर हूँ कि हमेशा से पीटीआई की जो बड़ी मोबिलाइजेशन होती थी वो पेशावर से होती थी, इस दफा लाहौर से हो रही है, तो पेशावर में कौन काम कर रहा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वहां से कितने काफिले आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? तला भाई बिल्कुल, पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा जाले जो है वो देखने में नज़र आ रहे थे, लेकिन हमने कुछ कारकुनान से जानने की कोशिश की कि किस थे, उन्होंने बताया है कि वो कुछ जो कारकुनान हैं वो कराची से भी आए हैं, कुछ केपीके से भी आए हैं, और अगर लाहौर की क्यादत की बात करें तो लाहौर की क्यादत के साथ भी कारकुनान जो है बड़ी तादाद में जो है वो अंगेज होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त लिबर्टी चौक जो है कचाकच भरना शुरू हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त फ्लेक्सेस जो है वो लगाई अवेजा की गई हैं, उसके बाद यहाँ बैनर्स लगाए गए हैं जिस पर इमरान खान साहब की जो है वो तस्वीर अवेजा की गई है, तो कारकुनान जो है काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो कॉल दी गई थी और 11 बजे यहाँ तमाम कारकुनान को जो है वो जमा होने की हदायत जारी की गई थी, लेकिन अभी कुछ घंटे रहते हैं लेकिन हमने देखा कि कारकुनान जो है पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने जो कायद हैं उनकी बात पर जो है वो लब्बैक दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पुर अमन सवाल मुझे आ रहा है आपके पीछे, इतनी बड़ी तादाद में लोग ये सोचने पर मजबूर हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जब भी एहतमाम करते थे तो कोई ना कोई बिरयानी की प्लेट, कोई लंगर, कोई नाश्ता, कुछ ना कुछ होता था, अब तो 9:30 हो गए हैं, कोई नाश्ते का एहतमाम हुआ है वहां पे कारकुनों के लिए या सब ड्राई? कीमे वाले नान भी याद आ रहे हैं तला। पीटीआई की आदत की जानिब से तला भाई कुछ भी नाश्ते का एहतमाम जो है वो नहीं किया गया, आपको भी नहीं दिया इन्होंने नाश्ता, जुल्म है। कारकुनान जो है वो जस्ट नहीं, हमने भी अभी तक जो है वो नाश्ता नहीं किया और सुबह से ही यहाँ पर कवरेज के लिए खड़े हैं और कारकुनान से उनके जज्बात जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नाज़रीन को जो है वो बता रहे हैं। कारकुनान जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि अभी लीडरान जो है लाहौर की क्यादत यहाँ पर नहीं पहुँची क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे गए हैं, जैसा कि पहला पॉइंट जो है वो इछरा रखा गया है जहाँ पर महमूद रशीद का काफिला जो है वो इस लॉन्ग मार्च में जो है वो शामिल होगा, इसी तरह आगे जो है फिरोजपुर रोड की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च का जो काफिला है वो गामजन होगा, फिर उसके बाद मजांग रखा गया है जहाँ पर मियां असलम इकबाल का काफिला जो है इस लॉन्ग मार्च में शामिल होगा और ये काफिला जो है आजादी चौक पहुंचकर जो है वो इख्तिताम होगा। राइट, लेकिन खुर्रम मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये जो जाफर खड़े हैं इनके पीछे इतना सन्नाटा क्यों है? जाफर बताएंगे जमान पार्क में सन्नाटा क्यों है? वो जमान पार्क में जाफर से पूछते हैं, खुर्रम जाफर से पूछते हैं, जाफर से पहले जवाब देते हैं। जी जाफर जी तला बिल्कुल, क्योंकि ये पोश एरिया है, आपको पता है ये पोश एरिया बड़े लोग रहते हैं, थोड़ा आराम से उठते हैं, रिलैक्स होकर उठते हैं और यही वजह है कि जमान पार है क्योंकि इमरान खान का ये घर है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, इस तरह कारकुनान यहाँ पे नहीं पहुँचे, लेकिन जो आज जो इवेंट होगा यहाँ से शुरू होगा क्योंकि इमरान खान यहाँ से निकलेंगे, खुद रैली की क्यादत करेंगे और कारकुनान की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचे जाए। इमरान खान ने टाइम लिबर्टी चौक का दिया है लेकिन कारकुनान क्योंकि अपने कायद को देखना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं और वो खुद ही जमान पार के बाहर पहुँच जाते हैं। लेकिन वैसे भी अभी 9:30 हुए तो हो सकता है अभी काफ़ी टाइम है, शायद बाद में हमें देखने को मिले, शायद 10-10:30 बजे तक कारकुनान जमान पार तक पहुँचे या फिर लिबर्टी कॉल, लिबर्टी चौक की कॉल सुन के वो लिबर्टी चौक ही डायरेक्टली जा रहे हैं, ये भी हो सकता है ना? जी बिल्कुल आपने ठीक है, कॉल लिबर्टी चौक की दी गई है लेकिन जमान पार्क में जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान उनका अपना घर है, यहाँ से वो निकलते होते हैं तमाम जो जुम्मे की नमाज का होगी कुछ मालूम है खान साहब, जुम्मे की नमाज कहाँ पढ़ेंगे क्योंकि 11 बजे निकल रहे हैं तो जुम्मे का खुतबा भी होगा, नमाज भी होगी, कुछ उसका शेड्यूल है? जी तला अभी उस तरह तो बकायदा अनाउंस नहीं किया गया, ना ही यहाँ पे किसी ऐसे मरकजी कायदीन की जानिब से यहाँ पे टाक की गई, लेकिन यही कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान यहाँ से जुमे की नमाज अपने घर पे पढ़ेंगे और उसके बाद निकलेंगे क्योंकि लाहौर में लाहौरिये थोड़ा लेट उठते हैं और आज जुमा है और उनको पता है कि 11 बजे का टाइम दिया गया, हो सकता है कि जुमे की नमाज के बाद लोगों का रश बढ़े, लेकिन जिस तरह खुर्रम बता रहे थे लोग कारकुनान की आमद का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लिबर्टी चौक में गुज़श्ता रात को ही कारकुनान जमा हो चुके थे जो बाहर से दूर दराज इजलास से आए थे, लेकिन जो जमान पार्क है यहाँ पे अभी कोई कारकुन जो है नहीं आया और तकरीबन जब उसी वक्त आएंगे जब उनको आइडिया हो जाएगा कि अब तकरीबन जुमा की नमाज
हो गई है या होने के करीब है, उसके बाद ही अमूमन जो है गैदरिंग शुरू होती है। जो इस तरह का इवेंट होता है उसके बाद लोगों को पता होता है कि जुमे की नमाज के बाद लोग इजी हो जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, आराम से निकलते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से निकलेंगे और जो है लिबर्टी चौक की तरफ पहुंचेंगे। सही जाफर, और हमारे साथ रहिएगा, हम मुस्तकिल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखने में आ रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अपने जो है वो टिकट करवा लिए हैं, वो भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान से, ये भी हम न्यूज में देख रहे हैं। शायद यही वजह थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट देने का हक उनसे छीन लिया गया जब ये हुकूमत आई। इमरान खान ने उनको हक दिया था, $30 बिलियन हर साल भेजते हैं रेमिटेंसेस में, लेकिन पाकिस्तानियों उनको हम वोट देने का हक नहीं दिलवाते। बड़े अफसोस की बात है, हक लेने आ रहे हैं। जी हाँ, इसलिए अपना हक लेने आ रहे हैं और इसी हक की खातिर पाकिस्तानी आज लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। इस पर खुसूसी ट्रांसमिशन हमारे शो में आज जारी रहेगी, आपके में जाएगा, हम ले रहे हैं ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और एक खुसूसी ट्रांसमिशन लॉन्ग मार्च की तरफ से हम आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हलीम अदिल शेख साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इस वक्त लाहौर पहुंच गए हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी हलीम अदिल शेख साहब, बताइएगा कि आप कल से आप लाहौर पहुँच गए हैं, क्या आप कोई काफिले के साथ आए हैं सिंध से, या काफिला बाद में आएगा, आज पहुँचेगा? देखिए जी, आज तो हमारे सिंध में रैलीज हैं मुख्तलिफ, इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर कराची, हैदराबाद और दीगर सिंध के शहरों में आज रैलीज हैं, और इंशाल्लाह हम लोग इतवार की सुबह सिंध के हमारे जो काफले हैं वो सिंध से निकलेंगे और इंशाल्लाह वो आके फिर यहाँ मरकजी काफले को ज्वाइन करेंगे। मैं तो कोई 10-15 दिन से जो मरकज में हमारे सारे मामला हो रहे थे, मैं यहाँ से था और उसको चीज़ों को देख रहा था, तो यहाँ मैं मरकजी टीम कोऑर्डिनेशन के लिए हवाले से पहुँचा हूँ यहाँ। बाकी हमारे सिंध में अलहमदुल्ला आज रैलीज निकल रही हैं, उसके अलावा इतवार को सब लोग वहां से निकल कर पहुंचेंगे और पूरा प्लान तैयार है किसने किस दिन कहां ज्वाइन करना है, लेकिन आज अलहमदुल्ला लाहौर से कौम तैयार है, पूरी कौम तैयार है। लेकिन शेख साहब, आप अगर सिंध में नहीं, सिंध में आप लीड करते, तो सिंध से इस वक्त काफले को कौन लीड करेगा? रैली जो निकल रही है, जो काफले आएंगे लाहौर तक, उनको कौन लीड कर रहा है इस वक्त? देखिए, सिंध में हमारे प्रेसिडेंट हैं अली जैदी साहब, ही इज लीडिंग सिंध, जो कि वो हमारे सिंध के सदर हैं, उनके साथ पूरी हमारी जो तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ मौजूद है और अपने अपने तौर पर अपने अपने रीजन में, अपने डिवीजन में, अपने जिले में जो हमारे तंजीमी अहदेदारान हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे दीगर लोग हैं, वो उनके रबते में कोऑर्डिनेशन में है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारे वर्कर्स साथ सब हमारे साउथ के साथ हैं, वहाँ जो हमारे पार्टी के प्रेजिडेंट हैं ही इज लीडिंग फ्रॉम सिंध और इंशाल्लाह वो शेख साहब। अरशद शरीफ की शहादत के बाद हर वो सहाफ़ी जो सच बोलने का खाहां था, जो सच बोलता था, उसके दिल में यकीनन एक खौफ पैदा हुआ और वो सोचता है कि यार कहीं ये सच बोलने की वजह से मुझे भी ना मार दिया जाए। सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, आप जानते हैं कि आपके मुखालिफ किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बिलो द बेल्ट वार कर सकते हैं, तैयारी क्या है शेख साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहीद इनकलाब, शहीद अरशद शरीफ का नाम आते ही हर दिल डूब जाता है और जिस अंदाज से कल जो जनाजा हुआ है फैसल मस्जिद में, उसने कोई खुली किताब था, उसने बता दिया कि कौम क्या चाहती है, कौम क्या समझती है, और ये भी साबित हो गया इन 3 दिनों में ये कौम के कातिल कौन। मैं समझता हूँ कि बिलो द बेल्ट से किस्सा आगे जा चुका है, ये तो शहरगों तक पहुँच चुका है। बिलो द बेल्ट तो होता था बेचारे शहबाज गिल के साथ, बिलो द बेल्ट हुआ आजम सबाती साहब के साथ, बिलो द बेल्ट हुआ ओरिजिनली मुआवरे में वैसे बिलो द बेल्ट हुआ उनके साथ जो हुआ, लेकिन अब अरशद शरीफ साहब के शहीद के बाद तो सूरत हाल बहुत खतरनाक है। लेकिन जब तहारीक होती है, जब इनकलाब होता है, जब इन गुलामों से जो किसी की ख्वाहिशात के ऊपर हुकूमत में बिठाए गए होते हैं, जब वो लोग जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, जो अमेरिका के, इसराइल के और दीगर के नुमाइंदों के तौर पर इकदार पर बैठ जमे हुए होते हैं, उसके लिए फिर जान की क्या परवाह। मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा तो जान हथेली पे हमारे कप्तान ने रखी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस वक्त, मतलब पाकिस्तान एक नई तरफ जा रहा है और हमें उन लाखों जानों का भी ख्याल करना है जो 1947 और उससे पहले की तहरीक में हमारे माओ ने अपनी इज्जतें गंवाई, बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने जाने दी, जवानों ने उस वक्त के, तो जान के बगैर तो तथा ये
इंकलाब नहीं आया करते, ये आजादी नहीं मिला करती। लाजिम बात यह है कि कोई आपस लोकल इशू नहीं है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को हमारी कौम को गुलाम रखा गया। तो आप ठीक फरमा रहे हैं, देर आर सो मैनी थ्रेट्स, सीरियस थ्रेट्स, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है जब से उन्होंने निकाला था। अगला दिन वो अल्लाह ताला ने लोगों के जहन में डाला था, जो लोगों के दिल फेर दिए थे, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला भी है। और जान तो जानी है, अगर जान जानी है तो हम सब अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम तबाह बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ इस खौफ में कहीं मार दिए ना जाए। मैंने कहा जो लोग इस खौफ से, मौत उनको भी आ जाती है जो कहते हैं मार ना दिए जाए, घर में बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, कोई अंधी गोली आके लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जान तो जानी है, लेकिन एक कॉज के लिए अगर जान जानी है उसका इंशाल्लाह वो हमारा हम सब पर फर्ज है, हम सब पर कर्ज है इसका, इस कौम का, इन बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का जिन्होंने 47 में आजादी ली थी, कि अब निकलना पड़ेगा हकीकी आजादी के लिए, जान छुड़ानी पड़ेगी इंपोर्टेड हुक्मरानों से, जान छुड़ानी पड़ेगी जिन्होंने 6 महीने में पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। कोई साफी अब देखिए ना, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, आजम सवाती से क्या हुआ, शहबाज गिल से क्या हुआ, जमील फारूकी साहब से क्या हुआ, कल बेचारे बुजुर्ग बाबा जी 75 साल के चौधरी गुलाम हुसैन साहब को पकड़ लिया, क्या हुआ, किस तरफ जा रहा है? ऐसे रुका नहीं करता, ये इकदामात तेल का किरदार अदा करते हैं, ये फ्यूल बनते हैं तारीख में। जो भी एडवाइजर्स हैं, जो भी इनको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, एक अरशद शरीफ को आप नहीं, आपने अरशद शरीफ को जिंदा कर दिया, वैसे भी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, अरशद शरीफ शहीद ने साबित कर दिया कि कौम बहुत कुछ समझ चुकी है, नींद से बेदार हो चुकी है, अब कौम गफलत की नींद से, और जो तहरीक चल रही है उसमें कौम का हिस्सा जिस तरह से है वो हम सब देख रहे हैं। अच्छा शेख साहब, मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक सिंध से है और फैसल वाडवा साहब का भी जो है वो ताल्लुक सिंध से ही है, वहीं से थे वो, लेकिन रातों रात फैसल साहब को क्या हुआ अचानक से, उनमें इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि फैसल वाडवा साहब इसी किस्म के किरदार के मालिक एक शख्सियत थे, पूरी पार्टी को नापसंद थे, ना जाने क्यों थे, मैं समझता हूँ कि चलें एक और किरदार बेनकाब हो गया, पहले ही बेनकाब हो गया, क्या पता ये खंजर अगर उस वक्त आगे लगता हम कहीं बीच में होते। शेख साहब ऐसे और कितने खंजर हैं पार्टी में? नहीं नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, देखिए कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, इनका तो पता था तकरीबन, ये नहीं थे हमारे। और मैं कहना चाहता हूँ कि फैसल वाडवा को सोचना चाहिए था, कहाँ फैसल वाडवा और कहाँ सेनेटर, कहाँ फैसल। तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है फैसल साहब का पार्टी में, शोकॉस का वेट कर रहे हैं या अभी नहीं है पार्टी में? उनकी नौकरियां कैंसिल करती हुई मैं क्लियर तो करने दीजिए मुझे, उनको शोकॉस नोटिस मिल गया है, पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि उनकी जो बयान था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, और हम समझते हैं कि हमारे लोगों को डराने के लिए, कौम को डराने के लिए उनसे एक लाजिम बात ये, देखिए जब जंग होती है ना बड़ी मल्टी डायरेक्शनल वारफेयर होता है, इस मल्टी डायरेक्शनल वारफेयर में वो भी एक मिजाइल आया लेकिन ठुस हो गया, गिरने से पहले ही वो ऊपर ही फारिग हो गया, एक मिसाइल आया, मिसाइल फेंका गया लेकिन फटने से पहले खुद ही फट गया वो, क्योंकि जिस अंदाज से राणा सनाउल्ला ने उसके ऊपर बात की, जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर चलती है तो सब समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। शेख साहब आपने वर्ड यूज किया मल्टी डायरेक्शनल वॉरफेयर, क्या हम इसी को फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं? देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो मौजूद है ना, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो चले, हम कहते हैं कि वो तरीके से, वो तो कई साल से पाकिस्तान में लागू की गई है, उसमें देखा था आपने कि कोई यूरोपियन यूनियन की पता नहीं क्या थी वो, कोई डिस इंफॉर्मेशन फैक्ट्रीज भी मौजूद थी, क्या क्या था, इंडिया से क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का तो हम शिकार हैं, लेकिन इस वक्त है मल्टी डायरेक्शनल वॉरफेयर चल रहा है, जिसमें ग्राउंड पे भी होगा, जिसपे गिरफ्तारियां भी होंगी, जिसपे हमले भी होंगे, जिसपे गद्दार भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी, जिसका जिसका ईमान कमजोर हो और जो असल ना हो तो वो गद्दारी कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान से गद्दारी करने वाले को कौम माफ नहीं करेगी, उसके बच्चे माफ नहीं करेंगे, उसका अगर खून ठीक होगा उसका कोई घर में उसको माफ नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ आज हम सब लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पूरी कौम खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम तो खड़ी है ना जी, 90% कौम खड़ी है, 10% पटवारी है और उनके हवारी है, वो बचे हुए, बाकी कौन बच गया? शेख साहब, वजीर आजम की एक ऑडियो लीक के बाद एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था और आम लोगों को समझ में आया था इसके माने क्या है, वो वर्ड था ऑप्टिक्स, जो इस वक्त करंट पीटीआई के ऑप्टिक्स हैं, लग ये रहा है कि इमरान खान साहब पंजाब में अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं,
एंड ही इज श्योर ऑफ द फैक्ट कि पेशावर से जो मेरे वर्कर्स हैं वो तो मुझे मालूम है आएंगे, सिंध से भी आएंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत इस वक्त लाहौर पंजाब में हो रही है। देखिए कुछ रियलिटीज होती हैं, बंदा कहे या ना कहे, पाकिस्तान का 75% 70% जो है वो पंजाब है और पंजाब का मेन रोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह केपी जो है वो कुक हो चुके हैं ना, जो वहाँ हमारे दो सेकंड टर्न हमारी मौजूद है, टू थर्ड मेजोरिटी है, तो केपी कहलाता है कि वहाँ पीटीआई माशाल्लाह अपने पंजे गाड़ चुकी है। पंजाब में स्टिल भी मतलब ये दो इलेक्शन में पंजाब ने भी साबित कर दिया, जो एमपीएस का इलेक्शन था उसके बाद पंजाब में भी एक सैंपल मिल गया हमें कि अर्बन पंजाब हो या रूरल पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को हर जगह से वोट मिला है। लेकिन अल्टीमेटली कप्तान की स्ट्रेटजी होती है, स्पिन बॉल कब करानी है, फास्ट कब करानी है, लेग पे कब करानी है, फ्रंट फुट पे कब। कराची वालों को स्लो बॉल मिलती है हमेशा जी, वो स्लो बॉल मिलती है कराची वालों को हमेशा। अब क्या कराची जरा दूर है ना, वहां भी तब्दीली आई नहीं, इंशाल्लाह हम इंतजार कर रहे हैं तब्दीली का। हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं हलीम साहब, शेख साहब कंप्लीट करें। शेख साहब खुशखबरी दे दूं जतोई साहब को, इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत सिंध में कप्तान जे खिलाड़ियों जी होंगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह, हमारी दुआएं, हमने भी बोल दिया था। जुमे का मुबारक दिन। अच्छा शेख साहब, आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, ये बताइएगा कि आगे 6 दिन के बाद आप लोगों की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि राणा सना साहब की धमकियां आ रही हैं जिस तरह से वो थ्रेट कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी कहा आप लोग रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, 6 दिन का पुरअमन जो है ये एक तरीके से जो होने वाला है, क्या ये आप धरने की सोच इख्तियार कर सकता है, और अगर वो लोग हुकूमत नहीं देती है आपको तारीख इलेक्शन के लिए तो अगला प्लान क्या है आपका? देखिए दो बातें, जो हकीकत है कि प्लान कल क्या होना है कप्तान के अलावा किसी को नहीं पता, ये रियलिटी है। हम में से कोई भी अगर ये कहे, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी का सीनियर कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन जो भी बात करता है वो गलत समझता है। कप्तान के पास वही प्लान है जो कप्तान ने दे दिया, बाकी आगे अगर कोई डार्क में है तो किसी को नहीं पता, अगर पता भी है तो नहीं बताएगा आपको, चूंकि पहले हमने 25 तारीख को बता के देख लिया। बाकी हमारा प्लान ये है कि जो लिखा हुआ है सामने कि हम आईन के तहत एक पुरअमन मार्च हम निकाल रहे हैं, जो हमारा आईन में हक है, हमारा असेंबल होना, हमारा मूव करना, हमारा गैदर होना, हम बिल्कुल आईन के दायरे में रहते हुए इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन जो आपने धमकियों की बात की, राणा सना की धमकियां हुआ करती थी, अब वो रह गई है गीदड़ भपकियां, धमकी कन्वर्ट हो गई है गीदड़ भपकी में। जब वो धमकी दे रहे होते हैं पसीने आ रहे होते हैं, मुंह से पता नहीं क्या क्या उनके निकल रहा होता है, झाग सा निकल रहा होता है, अब उनकी कांप पे अलग टांग रही होती है। अगर मैं कहना चाहता हूँ डिमांड है बोल से मेरी, राणा साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो पूरी इन्हें लिया कर, यहाँ तक नहीं टांगों तक लिया कीजिए, आपको नीचे से राणा साहब ऐसे नजर आएंगे इंशाल्लाह, ऊपर से बड़े जोर लगाते लेकिन कहाँ पे उनकी टांग की नजर आएंगी, अगर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेम थोड़ा बढ़ा दीजिए उनका, सब कुछ सामने आ जाएगा। राणा सनाउल्लाह का इस वक्त बड़ी हालत पतली है बेचारे की, एक जिले का मिनिस्टर साहब है वो, एक जिले की गवर्नमेंट है, और उनको पता है कि कौन निकल रही है, इन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जी लेकिन शेख साहब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम तो काफ़ी सख्त हैं, कंटेनर्स भी जगह जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता राणा साहब ने 25 तारीख जो 25 मई को हुआ था, पिछली बार हुआ था, उन्होंने वो दोबारा से करने की कोशिश, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस एहलकार भी वहाँ पे मंगवा बुला लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए हमले, वही रबर बुलेट्स, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी है सर? जहाँ आपने पुलिस की बात की है तो आज मेरी पिटीशन लगी हुई है सिंध हाईकोर्ट में भी, सिंध की 6000 पुलिस भी इस्लामाबाद बुलाई गई है, जबकि सिंध का लोकल गवर्नमेंट इसलिए कैंसिल किया गया था इलेक्शंस के जी हमारी पुलिस अवेलेबल नहीं है, वो सलाब लदगान के साथ है। इलेक्शन तो अनबिलीवेबल, इलेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब वो एक आईनी इदारे को मना कर दिया, दूसरा कह दिया हमारी आईनी जिम्मेदारी है वफाक गुजारत, 6000 पुलिस वाले बेचारे भेज दिए गए हैं ना उन्हें, वो वहां पहुंचे तो मैंने सिंध हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है, आज मेरी लग रही है उम्मीद है कि हमें उस पर इंसाफ मिलेगा। किस दिन में टारगेट किलिंग हो रही है, बेचारी बच्ची सलाम मुतासरा, बच्ची की इज्जत नहीं है, और इस्लामाबाद भेज दी गई। दूसरी बात देखिए, ये कंटेनर किसने लगाए हैं, कोई फरिश्ते लगा कर गए? नहीं, इंसानों ने लगाए, कोई कह रहे फरिश्तों ने अप्रूवल दिया है, नहीं यही क्रेने थी, अरे ये हमारे जज्बे, ये कंटेनर, ये खिलौने बन जाएंगे, माचिस की डिबिया बन जाएंगी, जो इन्होंने हमारे रास्ते को रोकने के लिए होंगे। लेकिन डी चौक हम नहीं जा रहे, डी चौक में क्या पूरी दीवार लगा दो कंटेनरों की, हमने कहा हम नहीं जा रहे हैं,
बाकी अगर रास्ते में गैर कानूनी कंटेनर्स होंगे आप वो हवाओं में उड़ते देखेंगे जोश से। मैंने डी चौक के कंटेनर्स को उड़ते हुए देखा था, मैंने डी चौक के पिछले दफा कंटेनर्स को हटते हुए देखा था। जहां हमने नहीं जाना वहां बेशक लगा दो हम जा ही नहीं रहे, लेकिन जो गैर कानूनी कंटेनर्स होंगे वो इंसान ही लगाता है, इंसान ही हटाता है, मशीन ही लगाती है, मशीन ही हटाती है। लगाते हैं डरपोक लोग, हटाते हैं निडर लोग। जज्बा, जुनून, जोश, ये कंटेनर शंटेनर हवा में उड़ते नजर आएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। और बाकी ये जो फासिस्ट हुकूमत कह रही है रबर की गोलियां, आंसू गैस, ड्रोन, मैं कहना चाहता हूँ मारने दो, मारने दो, और बेनकाब हूँ। 25 तारीख के बाद ये समझते हैं हम जीत गए, हम समझते हैं ये हार गए। 25 तारीख को जो जुल्म किया, मैं डी चौक पे था सारी रात, जिस तरीके से बुजुर्गों पे, बच्चों पे इन्होंने, खवातीन पे, बच्चों के ऊपर, कोई कश्मीर जैसे हालात, अल्लाह माफ करे फलस्तीन और कश्मीर जैसे हालात नजर आए, ये गंदे होंगे। इनका हर तदबीर उल्टी हो रही है, कहते ना उल्टी हो गई सब तदबीरें, जो कर रहे हैं वो नेगेटिव जा रहा है, जो कुछ इन्होंने किया वो नेगेटिव किया, जिसको पकड़ा उसका इम्पैक्ट गलत आया, जो कुछ इन्होंने किया उसका इम्पैक्ट गलत है। मुझे 23 दिन जेल में रखा ना, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बाहर ज्यादा इज्जत दे दी है। अब मुझे बाप पूरे पाकिस्तान में लोग, कोई मिलता है, कोई कहता है, कोई कुछ करता है, तो जिसको जिस तरीके से इन्होंने साफी हजरात को पकड़ा, बोल के साथ ज्यादती की गई, बोल को बंद किया, बोल आसमान पे पहुंच गया, नंबर वन चैनल पाकिस्तान का हो गया। अब बताइए ना, छोड़िए हमारी मिसाल, आपके साथ जो कुछ हुआ, आज बोल अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पहुंच गया है, आज पाकिस्तानी बोल को अपनी आवाज समझने लगे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हमारे दिल में जो है वो बोल की स्क्रीन के ऊपर है, ऊपर चला जाता है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, क्या कर लिया, जो कुछ आपके साथ किया, एक बहुत बड़ी मिसाल बोल टीवी है, जो आपके साथ किया वो कौम के साथ करते हैं, ऊपर जाता है किसी शख्स के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान जिहाद के उस पर निकले, चूंकि जालिम हुक्मरान के खिलाफ, गद्दार के खिलाफ निकलना भी जिहाद है, जब इंसान एक जज्बे के साथ, मैं बता रहा हूँ तो साहब इस दफा जज्बा है, आप लोग समझ नहीं रहे, आप तो समझ रहे हैं बहुत सारे लोग कि ना जाने की सियासत हो रही है, रैली हो रही है, नहीं है, यकीन जानिए मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मेरी अगर जान चली जाए ना, मैं कसम ले लीजिए मैं तैयार हूँ कि इस पर चली जाए, शायद अल्लाह ताला उसका अजर में मुझे, मेरे बच्चों को भी देगा और मेरी कौम को मिलेगा। इस वक्त जज्बा कुछ और है, डरता वो है जिसको पता हो कि मुझे गोली लग जाएगी, मेरे चोट लग जाएगी, मैं अंदर चला जाऊंगा, हमें जेल में डालना है डाल दो, खान साहब भी कहते हैं मैं तो बैग तैयार है हर वक्त उनका, जेल में डालना है डाल दो, मारना है मार दो, तब्दीली रुकेगी नहीं, इंकलाब रुकेगा नहीं, इस पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी जिसका इंतजार 75 साल से, ये इंशाल्लाह आज जो मार्च निकलेगा इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पे सारा गंद, 75 साल का जो गंद है इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहा कर ले जाएगा। यही मार्च जो निकलेगा हकीकी आज़ादी का इंशाल्लाह ये स्टेटस को तोड़ देगा। ये वो तमाम जो खराफात पाकिस्तान के साथ की गई, पाकिस्तान कैसे दो टुकड़े हुआ, पाकिस्तान को कैसे नीचे गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे तबाह हुई, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कैसे तबाह हुई, इंशाल्लाह ये सारे बदले इंशाल्लाह लेगा और ये सारे गंद को समेट कर ये मार्च के लोग इंशाल्लाह जाके फेंक देंगे, नाला लई में फेंके, किसी दरियाए चनाब में फेंके। सर इस गंद को रिसाइकिल भी करना पड़ेगा और लॉन्ड्री में भी भेजना पड़ेगा सर, काफी काफी गंद है, इसकी सफाई नहीं की हमने, अगर इसको नाले में फेंक दिया ना सर ये घूम के वापस आएगा। नहीं जी, ये भूल जाए, पहले हुआ करता था ना, किसी ने लॉन्ड्री में चलना है ना किसी ने वो कर देना है। शेख साहब हमारे साथ रहिए, शेख साहब साथ रहिए, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप जारी रखेंगे, प्लीज स्टे विद अस, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, शेख साहब के इरादे पुख्ता है, शहादत के लिए भी वो तैयार है और लग मुझे यही रहा है कि पीटीआई अब तब्दीली के बिना वापस नहीं आएगी। और लग रहा है इस दफा की लोग पूरी तैयारी के साथ है, शेख साहब की बातों से लग रहा है कि उनके पास पूरा प्लान है किस तरह से निपटना है आगे। जी आगे ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे शो में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और इस वक्त फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस वक्त हकीकी आज़ादी की लॉन्ग मार्च की शुरुआत होने वाली है। एक हफ्ते से मिस्ड कॉल कह रही थी, आज असली कॉल बन गई। अच्छा, मैं एक हफ्ते से इसको मिस्ड कॉल कह रही थी, सिर्फ अकेली मैं है ना तलहा जी, सिर्फ मैं, बल्कि पूरी कौम इंतजार कर रही थी इस बात का कि कब
वो दिन आएगा जब हम हकीकी आज़ादी का पार्ट बनेंगे, खान साहब को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। तो फाइनली वो दिन आज आ गया है और हम देख रहे हैं सुबह से ही काफ़ी पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो पुरजोश हैं, लिबर्टी चौक पहुँच चुके हैं, जमान पार्क में इस वक्त इतनी जोश व खरोश हमें नज़र नहीं आई क्योंकि लोग शायद आराम से उठ के आए हैं। बहुत से हो सकता है तलहा लोग जुम्मे के बाद भी ज्वाइन करें आराम से, क्योंकि उनको पता है कि आगे सारे लोग जुम्मे को अपनी दुकानें अपने ऑफिस बंद कर लेते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे आज छुट्टी मनाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जुम्मे के बाद असल लोग निकलेंगे, असल तादाद आपको नजर आएगी। सही, हमारे रिपोर्टर से जाने बढ़ते हैं, रुख करते हैं कि फिलहाल क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है लाहौर लिबर्टी चौक की जाने बढ़ते हैं। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीमा साहब भी, जी चीमा साहब भी हमारे साथ होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी बात करेंगे, जाने के उनसे अपडेट लेंगे कि फिलहाल क्या सूरत है। लेकिन फिलहाल हम रिपोर्टर्स की जाने बढ़ते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मिसरत चीमा साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चीमा साहिबा थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। क्या सिचुएशन है इस वक्त ग्राउंड पे, क्या प्लान है, क्या तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे आंसू गैस भी सामने हैं, लेकिन अब छह दिन तो हम लाहौर में ही देख रहे हैं टाइम गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज कौम तारीखी मनाजिर देखेगी और आज इनफैक्ट मैं अगर स्टार्ट करूं कि खान साहब ने अपनी जान की ना परवाह ना करते हुए कौम के लिए आज उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए अगर मुझे जिस लेवल की भी कुर्बानी देनी पड़े मैं तैयार हूं। लेकिन आज बारी कौम की है और कौम ने आज साहब है कि उनका लीडर यहाँ तक सारी बैरूनी कुव्वतें और सारी जो तमाम की तमाम अंदरूनी कुव्वतें थी उनके साथ लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बॉल चली गई है अवाम की कोर्ट में और जहाँ तक अवाम की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग, आप लोग हमेशा कवर करते रहते हैं, बड़ी जबरदस्त सिचुएशन है कि अवाम हमसे भी ज्यादा मोटिवेटेड है और अवाम का बड़ा प्रेशर था खान साहब के ऊपर और बड़ा गिला था कि आप ये क्यों नहीं कॉल दे रहे, क्योंकि लोग इस तरह की जिंदगी से तंग आ गए हैं जिसमें हमारे बच्चों की जिंदगियां महफूज नहीं है, जिसमें हमारी इज्जत और तकरीम महफूज नहीं है। हमारे आप देखें कि ये पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसमें अमाने बाला के एक सीनियर सिटीजन और सेनेटर उनकी जिस तरह से तोहीन की गई, जिस तरह से लोगों के कपड़े उतारे जाते हैं, लोगों को दिन दिहाड़े घरों से उठा लिया जाता है, झूठे केसेस का सामना, और मेरे ऊपर कोई 10 से 12 दहशतगर्दी के मुकदमे, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, महंगाई, गुर्बत, इफलास, जानवरों वाला पानी जो आज बाहर के माशरों में जो पानी जानवरों के लिए भी अलाउड नहीं है, आर्सेनिक मिला पानी वो हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें पी रही हैं। ये जंग है इस मुल्क की हकीकी आजादी की। यकीनन मुसर्रत साहिबा, यकीनन मुसर्रत साहिबा, आप देखिए कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद अब कुछ बचा नहीं है, इससे बड़ी कुर्बानी हम और क्या देते। यकीनन मुसर्रत साहिबा, लेकिन मैं एक चीज सोचता हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर्स तो तब निकलते हैं जब बिरयानी की प्लेट होती है, को खाने का एहतमाम होता है। मुझे मालूम है आप तमाम तरह इंतजाम को देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, लीड कर रही हैं, आपका वर्कर तो नहीं आता इस लालच में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको नाश्ता ना खिलाएं। मुझे मालूम पड़ा आपने कोई लिबर्टी चौक पर कोई इंतजाम नहीं थे, कोई नाश्ता, कोई हलवा पूरी करवा देते अच्छा होता, क्योंकि तैयारियां कुछ कम लग रही हैं मुझे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है और हमारी मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मती है बोथ साइड, कौम की भी खुशकिस्मती है कि उन्हें इमरान खान साहब जैसे लीडर मिले और हमारी एज ए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे लीडर खान साहब है और उनके ऊपर कौम का इतना एतमाद है कि वो 5 घंटों में कई अरबों रुपए, आपके सामने, आप भी उस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, कि अरबों रुपए लोग उनके एतमाद उन पे करते हुए उनको बकायदा देते हैं बल्कि। और जहां तक बात है कि जब कौम ये समझ लेती है ना कि ये लीडर उनके और उनके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं, तो फिर कौम अपना ये बिरयानी वाला नान, हलवा पूड़ी, ये सब भूल के आज आप तारीखी मनाजिर देखेंगे। फिर तरह कौम नाश्ता नहीं देखती, उनको हकीकी आजादी चाहिए होती, वो अपने लीडर की एक कॉल पे उनके पीछे चलते हैं आंखें बंद करके। कल को फिर वो भी ये कह सकते हैं ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हलवा पूरियों के जो है वो प्रॉपर इंतजाम किए गए थे, तो हम ये क्यों सुने ऐसे ही। एग्जैक्टली, बेसिकली देखें इंपॉर्टेंट चीज जिसमें समझने वाली बात है, यहाँ पे लोग एक कॉज के लिए निकल रहे हैं और आज आप, मैं जो बात कर रही थी कि इंशाल्लाह 1947 की आपको याद आएगी और इसमें आप हमारी माए, बहनें, बेटियां आपको मार्च करती हुई नजर आएंगी, बेशक, और इंशाल्लाह आप लाहौर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च लीड करने जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ आज एक तारीख रकम होगी
और मैं दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल पुरअमन मार्च है। खान साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया कि हम बिल्कुल रेड जोन में भी नहीं जाने वाले, और पंजाब में तो वैसे ही हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हम यहाँ पे क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। इंशाल्लाह अवाम को तहफ्फुज देते हुए, पुरअमन रहते हुए अपना आइनी जमहूरी हक हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और अवाम से मेरी अपील है कि हमने मीडिया की किसी भी मीडिया के किसी भी मीडिया हाउस से किसी का ताल्लुक, और रिपोर्टर की कोई गलती नहीं होती, डीएसएनजी का जो ड्राइवर है वो पॉलिसी नहीं बनाता किसी चैनल की, तो पुरअमन रहते हुए हमने सबको अपने साथ लेके चलना है, बिकॉज ये हम सबकी जंग है। और जंग मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि हकूक की जंग है, अपने हकूक जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स हैं उनको हमने बावर कराना है, और पाकिस्तान में जमहूरियत को जितवाना है, रूल ऑफ लॉ को जितवाना है। यहाँ पे सिसिलियन माफिया का, करप्ट माफिया का हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा जी, है। बिल्कुल मुसरत साहिबा, हमें अपने राइट्स के लिए निकलना है, आगे बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त रुख करते हैं हमारे रिपोर्टर्स की जानिब। उसामा दुरानी इस वक्त लिबर्टी चौक पे मौजूद है, फिलहाल जानते हैं कि टाइम भी हो गया है, 10 बज गए हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है लिबर्टी चौक की, फिर आगे भी रुख करेंगे जमान पार का, लेकिन पहले फिलहाल आप बताइए दुरानी साहब, क्या सूरत हाल है, मजीद कारकुनान की आमद है और क्या अपडेट है फिलहाल? जी दुरानी साहब, आपका आवाज आ रही है? उसामा जी बिल्कुल, वो दिन वो लम्हा आन पहुंचा है जिसका इंतज़ार बहुत ही तवील अरसे से किया जा रहा था। कारकुनान जो है वो लिबर्टी चौक पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर जो बैनर्स आवेजा किए गए हैं उन पे बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे ग़ुलामी को तोड़ दो, हकीकी आज़ादी, और इमरान खान के संग जो है वो हम निकलेंगे। यहाँ पर एक जश्न का समा है, सिर्फ एक घंटा बाकी है 11 बजने में, और यहाँ पर कारकुनान न सिर्फ लाहौर बल्कि दूर दराज लाहौर के नवाही इलाकों से भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर पार्टी नगमे भी जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें जो कारकुनान है वो उनका जोश मजीद बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ यहाँ पर पीटीआई वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज वो वक्त आ गया है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, हम सरगोधा से आए हैं, रात को सरगोधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और हसनैन अलग चौधरी सामने मिल्ला साहब की हाथ में आए हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ जाएंगे, अभी हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचे होंगे तो इंशाल्लाह वो इलेक्शन की कॉल दे देंगे। एक इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस मुल्क की खातर निकला है, ये सारे चोर लुटेरे हैं, जितने भी भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सारे जिस शहर से हैं वो इमरान खान के काफले के साथ मिले, और हम इन चोरों को इकदार से निकाल कर बाहर फेंके, और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी। और हमारा सलाम है बोल न्यूज़ को और ARY को, अरशद शरीफ भाई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बी, अल्लाह उस्सामा रियाजुल जलाल वाल इकराम, हम हक के लिए निकले हैं, इमरान खान अपनी नहीं हमारे बच्चों की पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं निकले। आजकल लोगों को पीठ पीछे गोलियां चला रही हैं, मैंने यहाँ रबड़ की गोली खाई थी, आज मैं ओरिजिनल गोली खाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ मारो। अरशद शरीफ के पीठ पीछे गोली चलाई है, मैं हर उस असहाफी के साथ हूँ जो हक के लिए डट कर खड़ा है। आज चौधरी गुलाम हुसैन को उठाया गया है, मैं उनसे पूछता हूँ जो रात को कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहे थे। राइट, इस वक्त आप देख रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान लहू अपना गरमा चुके हैं, शहादत के लिए तैयार हैं, अपनी छाती पेश कर रहे हैं, कह रहे थे कि पिछली बार मेरी कमर पे रबर बुलेट मारी थी, आज असली गोली मेरे सीने पे मारो। और यकीनन ये वो जज्बा है जो इस वक्त इस कौम में उठ खड़ा हुआ है, जिसकी खातिर ये लोग निकल रहे हैं इमरान खान पीटीआई के कप्तान के साथ। वजह है मुल्क से चोरी का खात्मा, वजह है मुल्क से करप्शन का खात्मा, वजह है मुल्क से हर किस्म के उस बुरे अनासर का खात्मा जो इस मुल्क को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और यकीनन जब सियासी सफों में सफाई होगी तो फिर दीगर सफों में भी सफाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम रुख करते हैं फिलहाल जमान पार्क का, जाफर बिन यार वहां पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं फिलहाल क्या सूरत हाल है वहां पे जमान पार्क पे। जी जाफर बिन यार बताइएगा, कुछ लोग बाहर निकले या अभी भी सिर्फ खान के ही निकलने का इंतजार है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जमान पार्क में अभी भी खान के निकलने का इंतज़ार है, अभी यहाँ पे लोग जमा नहीं हुए, क्योंकि खान साहब की जो कॉल दी गई थी वो यही थी लिबर्टी चौक में पहुँचेंगे। और दूसरा ये बताता चलूँ कि अभी
जो जुमान पार्क है, जो पोश इलाके इर्द गिर्द जितने भी इलाके, यहाँ पे लोगों की उस तरह गैदरिंग देखने को कम ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़रा अपनी मर्जी से लेट उठते हैं। इसी वजह शायद यही वजह है कि लोग कारकुनान भी यहाँ पे नहीं पहुँचने, क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे पहुँचने का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए लोगों की जो ज़्यादा तादाद है वो बट्टी चौक की तरफ जा रही है। अजमान पार्क में अभी वही सूरत हाल है, पुलिस की एक भारी नफरी जो खान इमरान खान के घर के बाहर तैनात है, किसी भी नाखुशगवार वाक़े के निपटने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, क्योंकि यही वो मेन एरिया है जहाँ से खान साहब निकलेंगे, उनके साथ जो पीटीआई के दीगर कायदीन है वो निकलेंगे। यहाँ से बताया जा रहा है कि रैली की सूरत में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद वो लिबर्टी चौक पहुँचेंगे, वहाँ पे तकरीर होंगी और उसके बाद वहाँ पे खान साहब ऐलान करेंगे कि किस किस तरह किस किस रूट से हम जो है इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और बताया यही जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान के करीब जो है वो आज पड़ाव किया जाएगा और कल दोबारा फिर निकला जाएगा, और इसकी यही वजह थी क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आ रही है और इतनी बड़ी तादाद को एक वक्त में लेकर निकला और उनका पहुंचना उस तरह शायद मुनासिब नहीं होगा, इसलिए यही फैसला किया गया कि रात यहाँ को रुक जाएंगे ताकि लोग जो आज दूर दराज इलाकों से खास करके सिंध के जो दूर दराज इलाकों से लोग आएंगे वो कल तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे या रात को लेट पहुँचेंगे, सुबह यहाँ से फुल चार्ज होकर निकलेंगे। दूसरी तरफ हम बात करें तो लाहौरिये बड़े पुरजोश हैं और उनकी ये दिली ख्वाहिश थी पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरह कि किसी तरह खान साहब लाहौर से ऐलान करें, पहले शायद इसका प्लान नहीं था, लेकिन जब से मालूम हुआ है कि लाहौर से लाहौर के लिबर्टी चौक से ये लॉन्ग मार्च निकलेगा और ख़ुद खान साहब इसको लीड कर रहे हैं, तो लोगों में जो है वो पुरजोश है, उनके जोश जज्बा में इजाफा हो चुका है। हर एक की ये दिली ख्वाहिश थी कि खान साहब लॉन्ग मार्च करें और लॉन्ग मार्च मौसम कैसा है ये तो बताइएगा जाफर, आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी लाहौर का मौसम उसामा इस हवाले से लाहौरिये बड़े खुशकिस्मत उनको कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, वो भी अगर हम सूरज के नीचे खड़े हों तो लगता है कि सूरज की तपश से, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे शाम के औकात ठंडा मौसम हो जाता है, 3 बजे के बाद से ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है। मुसर्रत साहिबा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, आर यू ऑन शेड्यूल? क्या खान साहब 11 बजे निकलेंगे? मुझे लग रहा है कि नमाज के बाद निकलेंगे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी अभी थोड़ी देर में असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और मैं, हम सारा मीडिया, हमारे जितने भी चैनल्स के बीच रिपोर्टर्स हैं, हमने उनको बुलाया हुआ है। हम सारी शेड्यूल एंड पूरे 8 दिनों का कहाँ हमारा पड़ाव होगा वो सारा हम इंशाल्लाह अभी मीडिया को उसकी सारी प्रॉपर एक प्रेसर की शक्ल में इन्फॉर्म करने जा रहे हैं 11:30 बजे के बाद इंशाल्लाह। फिर वहाँ से ये मीडिया ब्रीफिंग के बाद हम लोग चले जाएंगे जमान पार्क और फिर इंशाल्लाह वहाँ से खान साहब के साथ ही निकलेंगे। लेकिन जो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इस वक्त हमारे जो आपको पता है कि पहले तो माशाल्लाह खान साहब के जितने भी जलसे थे, यहाँ मैं बिल्कुल बात ये करूँगी कि वो पब्लिक ने खुद अपने फोन पे आए, हमने ना कोई किसी को कभी ट्रांसपोर्ट दी ना हम उनको, लेकिन इस दफा इसमें डिफरेंस ये है कि जो पाकिस्तानी आवाम तो निकलेगी निकलेगी, लोग खुद तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी टिकट होल्डर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके सेट टारगेट्स हैं और उनको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारा बहुत जबरदस्त हमने मॉनिटरिंग सिस्टम इस दफा वजा किया है और ये डिपेंड करेगा उनकी आने वाली टिकट एलोकेशन के ऊपर भी, इसका फ्यूचर इनका तयन उसका किया जाएगा। इसलिए जो हमारे लाहौर के और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टिकट होल्डर्स एंड इलेक्टेबल हैं उनको जो टाइम दिया हुआ वो दे आर बाउंड टू कम देयर विद अपना काफिला। तो आप 11 बजे का टाइम आने दें, इंशाल्लाह 11:30 बजे तक आप लिबर्टी को और रंग में देखेंगे। आज एक जिंदा कौम अपने जिंदा होने का सबूत देगी। खान साहब की सिक्योरिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा इकदाम किए गए हैं मुसर्रत साहिबा, खान साहब की सिक्योरिटी के लिए? जी बिल्कुल किए गए हैं और उसके ऊपर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो काफी कंसर्न्ड है और हमारी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप, उसकी वजह ये है कि पूरी कौम बहुत कंसर्न्ड है लोगों का, अगर सबसे और जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा तश्वीश है, क्योंकि अभी आपने देखा किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कराई गई और जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ, घबराना नहीं है, ना आपका लीडर घबराया है ना कौम घबराने वाली है। बाशऊर जागी हुई कौम अपने राइट्स को आज सही मायनों में लेने के लिए निकली है और आज आप इस कौम का एक नया मुजाहरा देखेंगे कि ये जिंदा बाशऊर कौम अपने आप के अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकली है। और आज लोग देखेंगे, आज दुनिया की तारीफ गवाह रहेगी
कि जब आप हक और सच के रास्ते पे होते हैं तो अल्लाह ताला आपको फतह याब करता है। और याद रखें कि अपने राइट्स आपको खुद लेने पड़ते हैं, और उसके लिए एक ही तरीका है जम्हूरियत में कि जम्हूर निकले और अपने जो देखें हम क्या रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है, सिर्फ इलेक्शन कि अगर इस मुल्क में जम्हूरियत है तो लोगों को हक जम्हूरियत अदा करने दिया जाए, एंड दैट्स इट। और जब लोग अपनी चुने हुए लोगों को लेके आएंगे वो फिर उनके हकीकी मसाइल और जो भी इस मुल्क के मसाइल जो पिछले 75 सालों में एड्रेस नहीं हुए बल्कि इस मुल्क की इकोनॉमी को बाय डिजाइन बाय पॉलिसी मैं कहती हूँ कि बाकी बाहर के लोगों के महकूम रखने के लिए हमें मकरूज रखा गया और हमें अनएजुकेटेड रखा गया। हमारे मैसेज को मुसर्रत साहब एक बात पूछना चाहूंगी, जाते जाते आप जल्दी से मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि 8 दिन का ये मार्च होगा, हम अब तक समझ रहे थे कि 6 दिन का ये लॉन्ग मार्च होगा, और ये क्या ये धरना कम एक लॉन्ग मार्च पावर शो है? नहीं, मेरा मकसद 1 वीक है ना, हम नेक्स्ट फ्राइडे पहुंचेंगे ना, नेक्स्ट फ्राइडे पहुंचेंगे तो पूरा 6 दिन है, 7 दिन है, फ्राइडे टू फ्राइडे, और फिर इस्लामाबाद में जाके हमें हमारा ऑब्जेक्टिव आज भी वही है, अगले फ्राइडे को भी वही है, हमारा मौकफ भी है, हमारी डिमांड भी है, वो है कि इलेक्शन की डेट दी जाए इस मुल्क के। मुसर्रत साहब अगर इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती है तो क्या ये लॉन्ग मार्च धरने की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी? देखें जी, इसकी सारी प्रॉपर जो अनाउंसमेंट है वो तो हमारे पार्टी चेयरमैन ही करेंगे, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ सादा बात बता दूं कि इससे कम पे हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी सूरत। राइट, उसामा की तरफ बढ़ते हैं, लिबर्टी चौक में पूछूं मैं उसामा से, उसामा कोई नाश्ता लेकर आया? जी बिल्कुल, कारकुनार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, 11 बजने वाले हैं और साथ ही साथ जो पार्टी तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं। कारकुनान का जोश जो है वो उरूज पकड़ता जा रहा है और अपने जो कायदीन हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। हम खातून भी मौजूद हैं, जी बताइएगा आज लॉन्ग मार्च की कॉल, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बड़ा सदमा हम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, आवाम को दुख हुआ है कि जो अरशद शरीफ जो हम में नहीं है आज वो शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए हैं। तो हम सब आवाम को चाहिए था कि हम लोगों को सड़कों पे आना चाहिए था, अपने एंकरों के लिए, अपने रिपोर्टर के लिए उनका साथ देना चाहिए, और यहाँ तक कि हमें सारी ज़िंदगी यानी भुला नहीं सकेंगे, उनकी जो उनकी यादें हैं वो हमेशा हमारे दिलों में भी रहेंगी। और बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर कारकुनान की जो जोशो खरोश है वो उरूज पर है, और सिर्फ अपने 11 बजते ही कायदीन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे और आज के लिए जो अगला लाइमल है वो बताया जाएगा। नाश्ता आया, आपके कान में लोग चीख तो रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है दुरानी साहब इसलिए चीख रहे हैं कि उनको नाश्ता नहीं मिला है। तलहा, पीटीआई कारकुनान नाश्ते का इंतजार नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी लीडर की आवाज़ के लिए निकलेंगे और लीडर को देखने के लिए निकलेंगे, उनकी हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए निकलेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि नाश्ता आए कीमे की नान आए या हलवा पूरी आए नहीं आए। भाई वो लाहौर लाहौर है, वहाँ मुर्ग चने और आपको मालूम है निहारी कोर में सारे पाए शाये हैवी ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे। लेकिन अभी तो फिलहाल मार्च की तैयारी है, मुझे लग रहा है वो लोग नाश्ता वाश्ता करके आए, उनको पता कि बहुत लंबा दिन गुजारना है उनको, तो वो अपना इंतजाम करके आए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उसामा दुरानी मौजूद थे, जाफर बिन यार थे, मुसर्रत चीमा थी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और इस वक्त स्क्रीन खुलते ही आप देख चुके होंगे कि फाइनली एक वो दिन आ गया है जिसका पूरी एक जिंदा दिल कौम को इंतज़ार था कि हम हकीकी आज़ादी मार्च में हिस्सा बने, अपना एक किरदार अदा करें उसमें। और दूसरा जिस वक्त का सबको इंतज़ार रहता है वो है बोल प्रेडिक्शंस, ताकि हम अपनी जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, हमें एक जस्तजू लगी रहती है कि आखिर होने क्या वाला है, इसका जवाब हमें कौन देगा। तो हमारे साथ मौजूद है उनसा शाह, वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर, हमेशा प्रिडिक्ट करके बताती है हमें कि अगला क्या होने वाला है क्या नहीं। वैसे हमारे ही शो में अजीम जाफरी साहब ने प्रिडिक्शन की थी कि जब इमरान खान साहब का ये केस चल रहा था तोशेखाना का, तो उन्होंने कहा था कि इस केस में उनको ना हेल कर दिया जाएगा। okay. तो वो फैसला हमारे सामने है, यानी कि प्रिडिक्शन किसी हद तक सही साबित होती हैं, आपकी भी कई प्रिडिक्शन काफ़ी साबित हुई ही है उनसा, मैच की प्रेडिक्शन हमें याद है, उसके बाद हमें ये सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, और जुमा मुबारक आपको भी, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो उनसा। और
आप हमेशा कहती हैं कि कबल इस वक्त मैं कार्ड्स निकाल के कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि टैरो कार्ड्स में करंट एनर्जीज आती हैं, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके वो चीज़ें वाजह तौर पे क्लियर दिखाएंगी। और फ्यूचर के बारे में हम ठीक है कह सकते हैं, वही मैं मेरा तो यही है कि गैब का जो इल्म है वो अल्लाह ताला के पास है, और एक ये जो इल्म होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, तो हम बता तो सकते हैं अपनी नॉलेज के, लेकिन करंट एनर्जी ज्यादा मैटर करती है, करंट एनर्जी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आती है। सही। अच्छा, और मजीद हमारे गेस्ट भी हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, सामिया खान बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको ही वेलकम कहेंगे अपने शो में। आगा बहश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम आगा बहश्ती साहब एंड सामिया खान, दोनों को गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी सामिया, आपको आवाज आ रही है, आप सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही जी, है जी। वेलकम टू दुनिया बोल है सामिया। थैंक यू सो वेरी मच जी। जी ये बताइए कि फिलहाल हो क्या रहा है मुल्क में, आप सब हमारे साथ यहाँ पे अपने अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं, मौजूद हैं, हमें अक्सर बताते रहते हैं, हमें आगाह करते रहते हैं कि आगे आपको क्या नजर आ रहा है। सामिया आपने मेरे शो में ही लास्ट प्रेडिक्शन की थी, मुझे याद है आपने कहा था सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है, सितारों के हालात आपको अच्छाई की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हो रही है, अरशद शरीफ शहीद साहब को भी जिस तरह से उनके साथ हुआ वो भी हमारे सामने है, जो कि बहुत बुरा हुआ, उनका अफसोस हम सबको है, हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे वो। तो मुल्क जहाँ किस तरफ रहा है सामिया, आपको क्या लगा, सितारे क्या कह रहे हैं, आपके क्या आगे होने क्या वाला है? हम समझ रहे थे कि एक लॉन्ग मार्च धरने की सूरत इख्तियार करेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखने में नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग मार्च भी हो रही है, आगे इलेक्शन की डेट भी हमें लग रहा है कि हुकूमत देगी नहीं देगी, खौफ ज़्यादा है, बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार है, ड्रामाई जो है तब्दीलियाँ हमें होती हुई नज़र आ रही हैं, आप क्या कहेंगी? जी सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं उनके लिए तो हर दिल में दुख है, वो तो बयान से भी बाहर है, लेकिन आप देखिए कि वो अमर हो गए और शहीद कभी भी जो है दुनिया से जाते नहीं है, ये तो उनको एक एज़ाज़ हासिल हो गया, दुनिया से जाके भी एज़ाज़ हासिल हो गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए सितारे जो है वो बहुत ज्यादा आसमान पे अभी भी डिस्टर्ब हैं। आप लोगों ने तो शायद, मैंने आपके चैनल पे तो नहीं कहा, ये जो ग्रहण लगा है ये 27 साल के बाद एक ऐसा खतरनाक ग्रहण लगा है पाकिस्तान की जमीन पे, और मैंने बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा है कि हर बंदा हस्बे तौफीक मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं, कि मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगे। ये वाला जो एक्लिप्स है, जो पार्शल लगा है, ये पाकिस्तान की जमीन को हिट कर सकता है। 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला टाइम टिल दी 1 फरवरी 2023 क्योस की कैफियत अभी आपको नजर आती रहेगी, अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती क्योंकि आसमान पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरी तो पहली लाइन ये होती है कि यह है एक बहुत महदूद अंदाजों का इल्म है, और ये हमेशा से मैंने इस पे बड़ी तनकीद का सामना भी मैंने किया है कि ये इतना ही काम करता है जितना नेविगेशन गूगल मैप काम करती है, जितना महकमा मौसमियात काम कर सकता है। सही। तो आसमान पे तो सितारों का मूड अच्छा नहीं है, लेकिन दुआओं से तकदीर बदलती है, सदकात से बलाएं टलती हैं, ये हमारा तवक्कल है। तो इसीलिए मैंने हर पाकिस्तानी से दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ इस दिन में नमाज कसूफ का हमें हुक्म है हमारे मजहब में कि इन ग्रहणों के औकात में नमाज कसूफ दो नवाफिल हैं अदा कीजिए। और मैं तो ये कहा था कि मुल्क की सलामती मांगे, मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। तो अभी तो यकीन करें कि अल्लाह पाक, जब हर दिन मैं, मेरा तो ये हो गया कि मैं हर दिन को बोनस ले रही हूँ आज के, ये जो जब तक यकम फरवरी नहीं आ जाती है। सही, यानी यकम फरवरी तक आप जो है वो सिर्फ बोनस के तौर पे चल रही है, उनसे जानते हैं, उनसे आप कार्ड्स निकालिए, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंने कार्ड्स निकाले हैं। आजकल जो सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकली और इलेक्शन वाइज, और जो लॉन्ग मार्च भी चल रहा है उसके, लॉन्ग मार्च के लिए देखें कार्ड मैंने जो निकाला है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च से पीटीआई को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी पीटीआई बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर जो है वो
पार्टी है, तो और ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये लगता है कि मुल्क की जड़ों में जो है पीटीआई बैठ जाएगी और ज्यादा लोग इसको फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ देखिए पाकिस्तान का जो मैंने कार्ड निकाला है ओवरऑल जनरली एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि पाकिस्तान में क्लियरिटी नहीं है, नुकसान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं फ्लक्चुएट ज़रूर करती रहेंगी। उसके साथ मैंने जो निकाला है इमरान खान साहब के लिए जो कार्ड निकाला है द जस्टिस का कार्ड है, यानी कि वो इंसाफ पसंद है, वो चाहते हैं कि आगे जो है वो पाकिस्तान को इंसाफ मिले, और जिस जो है वो सोच से वो निकल रहे हैं, जिस सोच से वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो बड़ा फेयर नज़र आ रहा है और वो बड़ा बैलेंस होकर इस लॉन्ग मार्च को लेकर चलेंगे। ये लॉन्ग मार्च काफ़ी बैलेंस और पुरअमन नज़र आ रहा है और काफ़ी जो है वो बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। पॉलिटिकली अगर मैंने बताऊं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुख्तलिफ खबरें देता है, यानी कि पॉलिटिकली जो है कुछ कोई ना कोई हैपनिंग्स होती रहेंगी, कोई ना कोई खबरें मिलती रहेंगी, न्यूज़ मिलती रहेगी, कभी कहीं से कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ना कुछ हैपनिंग चलती रहेगी, जो है ना वो चलता रहेगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कार्ड निकाला है किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकाला है, और मैं ये समझती हूँ कि लॉन्ग मार्च बहुत पुरअमन होगा और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन आपको 3 महीने होते नजर आ रहे हैं। एक अहम कार्ड मैंने जो निकाला है इलेक्शन से रिलेटेड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे लगता है कि जो लोग उन सब की कमी है हमारे पास, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं जैन में और फैब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैब बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जी, इसी के साथ ही हम इजाजत लेंगे आपसे, शो का वक्त होता है खत्म। हकीकी आजादी मार्च की ट्रांसमिशन सदा जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ, जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे, दिन हो या रात वो न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ सबसे बड़ी कवरेज, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरिया सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।